किसी भी बंदे के माइंड में सबसे पहले तो एक विचार आएगा कि मुझे बिजनेस करना है और ये फील्ड में करना है। फिर क्या होता है, वो प्रोडक्ट और सर्विस डिसाइड करता है, फिर उसका रोल मॉडल बनता है, फिर उसकी लीगली फॉर्मेलिटीज होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर टीम डेवलप होती है, फिर मार्केटिंग और सेल्स होता है, और लास्ट में ग्रोथ करने की स्ट्रेटजी तैयार होती है। तो ये स्टेप्स है, और ये स्टेप के हिसाब से कोई भी बिजनेस, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपने इसी हिसाब से अपने बिजनेस को बिल्ड किया है और यही फॉर्मेट के हिसाब से होता है। अब कई लोग इसकी मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो वो अच्छे स्टेप बना लेते हैं, और कई लोगों के पास जब मास्टरी नहीं होती है वो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसे लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि सक्सेसफुल बिजनेस अगर करना है तो उसके सक्सेसफुल पिलर्स होते हैं, और हर पिलर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आपने जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया है उस स्ट्रक्चर में कितनी चीजें आती है या कितनी चीजों से मिलकर एक बिजनेस बनता है। तो सबसे पहला आपका व्यापार स्टार्ट होता है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से। यस या नो? सबके पास है ऑफिस, शोरूम या जो भी आप लोगों ने बिल्ड किया है वो आप लोगों का आपने बनाया हुआ है। यस। उसके बाद आप लोगों को रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है, अगर मशीन है या कोई भी चीज है तो उसको ऑपरेट करने वाले लोग। फिर हमें रिक्वायरमेंट क्या आती है, लीगली प्रोसेस, उसमें क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी प्रोसेस वहां पर हम फॉलो करते हैं। फिर क्या आएगा, बिना पैसे तो धंधा होगा नहीं, तो या तो बैंक के पास जाएंगे, या तो घर से लेकर आएंगे, या तो किसी के पास से लेंगे, लेकिन पैसा फंड तो चाहिए हमें। फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट या सर्विस, हमारी खुद की कोई प्रोडक्ट हमें ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी कि जो मार्केट की नीड के हिसाब से हो, उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करें। फिर आगे क्या आएगा, टीम, क्योंकि हम अकेले अगर करेंगे तो 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ कर पाएंगे, अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा लोग चाहिए। इसके बाद आगे क्या आएगा, बिना कस्टमर तो बिजनेस होगा ही नहीं, तो कस्टमर तक भी हमें पहुंचना पड़ेगा। और उसके बाद क्या आएगा, सिस्टम, कि ये सभी चीजों को अगर रन करना है तो एक प्रॉपर सिस्टम होनी जरूरी है। उस सिस्टम में हर बंदे को पता होगा उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्लियर है? तो इतना चीजें अगर हमने अपने बिजनेस में बिल्ड कर दिया तो हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से सस्टेन भी होगा और ग्रो भी होगा। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि इसमें से कोई भी अगर एक पिलर जो है अगर डैमेज हो गया तो कोई भी एक पिलर डैमेज होने के कारण आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो खत्म हो सकता है। और कई लोगों को ये महसूस हुआ होगा कई बार कि छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो अपने धंधे के अंदर, ये धंधा जो है वो आपका ले डूबता है। और कई लोगों के साथ ये चीज हुई भी होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, एक लेवल पर पहुंचे, फिर 0-0 पर आ गए। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है भाई। बहुत बढ़िया है। तो ये चीजें होने के पीछे का रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को जो डेवलप करना चाहते हैं वहां पर ये जो पिलर्स मैंने आपको शेयर किए इसमें से कोई एक जो है ना वो डैमेज हो जाता है। लेकिन बाकी जितने लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है या हाथ खड़ा करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो ऐसा 0-0 हुआ नहीं है, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस टॉप पर भी पहुंचा नहीं है। आप नहीं नीचे आए, नहीं आप ऊपर गए, आप बीच में लटके हुए। और उन लोगों का हालत कुछ ऐसा होता है जो लोग अपने बिजनेस के अंदर खुद स्ट्रगल करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, एफर्ट बहुत करते हैं, लेकिन जितना उनको मिलना चाहिए ना, कि आपको लगता है कि आज आपके धंधे से जितना आपको आना चाहिए उतना आ रहा है? यस या नो? जितना आपको चाहिए था उतना आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा होता तो इधर आते? सिंपल चीज है ना। तो नहीं मिल रहा है। अब वो नहीं मिल रहा है उसकी वजह क्या है,
उसकी वजह यह है कि इंडिया का एक सिनारियो ऐसा बताता है 3% लोग खाली ऐसे हैं जो अपने व्यापार में सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, और बाकी के आपके और मेरे जैसे 97% लोग हैं जो व्यापार में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है, हम सब लोग कहाँ है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है? 3% के अंदर है या 97% के अंदर है? 97. क्योंकि 3% वालों को तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ता है 6 महीने 1 साल पहले की, और हम तो अवेलेबल होते हैं ऑलवेज, आ जाओ, जब बुला लिया जाएगा तब हम पहुंच जाएंगे। तो अब अगर हमें 97% में से 3% में अगर जाना है, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम 97% में आए क्यों। क्या जानना चाहते हो? तो देखते हैं 97% के अंदर हम आए क्यों, क्योंकि एक और रेशियो भी यहां पर निकल कर आता है। 90% जो कारोबार होते हैं वो 5 साल में ही बंद हो जाते हैं, और बहुत लोगों को ये फील हुआ होगा उनका ये पहला बिजनेस नहीं होगा, या दूसरा होगा, तीसरा होगा, या चौथा होगा। यस या नो? हेलो हेलो, इससे पता चलेगा कि हम जागरूक अवस्था में हैं। तो अब अगर ये 90% लोगों ने 5 साल में बिजनेस करना बंद कर दिया या बिजनेस चेंज कर दिया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जहां पर उनको प्रॉब्लम आ रहा था या जहां पर उनको चैलेंजेस आ रहे थे, उनको बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था। वो खुद जूझ रहे थे, वो खुद मेहनत कर रहे थे, वो खुद एफर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको वो रास्ता मिला ही नहीं कि उसमें से हम बाहर कैसे निकले। और उसकी वजह से आज अगर मार्केट में देखने जाए तो ऐसे 5 रीजन निकल कर आते हैं कि 97% लोग जो है वो आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे, उसकी वजह क्या है? तो क्या देखना चाहेगी उसकी वजह क्या है? यस, सबसे पहली वजह निकल कर आती है बिजनेस विदाउट, कितने लोगों ने विजन मिशन गोल बना लिया है, कितने लोगों का अभी भी बनाना बाकी है, कुछ लोगों का अभी भी बनाना बाकी है। जब तक आपने विजन मिशन गोल या प्लानिंग अगर अपना किया हुआ नहीं है, तो आपको जो बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलना चाहिए ना, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत डायरेक्शन लेस हो रही है। क्यों? तो उसकी वजह कुछ ऐसी है। आज अगर राजकोट को जाना जाता है बिजनेस के अंदर, तो कॉपी एंड पेस्ट में जाना जाता है। चाइना के बाद दूसरा नाम राजकोट का है। यहां पर कोई भी चीज आप खाली ऐसे सुबह में लाके रख दो ना, शाम तक तो वो बन जाती है, इतनी मास्टरी है लोगों की कॉपी करने में। तो यहां के लोग है कॉपी के अंदर मास्टर है, इनोवेशन नहीं कर पाते, नया क्रिएट नहीं कर पाते। और मेरा सर्वे ये बताता है कितनी भी बड़ी कंपनी आप ले लो दुनिया की, उनके पार्ट जो है ना वो राजकोट में ही बनते हैं। तो हम किसी कंपनी का जॉब वर्क करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कंपनी हम बन नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा माइंड क्लियर हो गया भाई कॉपी और पेस्ट करने का। दूसरा रीजन निकल कर आता है लैकिंग ऑफ। बहुत सारे लोग कंपनी को शुरू कर देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, उसका GST ही नहीं लेते, पक्के में बिजनेस ही नहीं करते, उसका लोगो ही रजिस्टर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये नाम जो है वो सनातन है और ये चलता ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। फिर उनको एक दिन ऐसा पता चलता है कि अगले ने भी यही नाम ले लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब मेरी ऑनरशिप भी नहीं रही, मेरा बच्चा था लेकिन आज मैं ये साबित ही नहीं कर सकता हूं कि ये मेरा बच्चा है, वो वाली सिचुएशन हो जाती। फिर कई लोग होते हैं वो नो प्लानिंग ऑन पेपर, सब कुछ किधर है? खोपड़ी में। और खोपड़ी की बात चोपड़ी पे नहीं है, तो खोपड़ी के अंदर जितनी भी चीजें होती है, तो अपनी तो हालत ऐसी है कि 2 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था, शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, ये तो हमें याद नहीं है। तो बिजनेस को बिल्ड करने की बड़ी बातें जब हम करेंगे तो वो हमें कैसे याद रहेगा? तो वो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो कई बार लेना कितना है, देना कितना, ये भूल जाते हैं। अगला ज्यादा ले भी जाता है और कम दे भी जाता है, और हम बोलते ओके ओके बराबर तुम्हारा हिसाब ओके। क्यों? लिखा ही नहीं है, ऑन पेपर ही नहीं है।